जबरदस्ती पकड़ के रखी है मैंने हमेशा इसे स्टैचू मत होना मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था इसीलिए और क्या। ओके गुड मॉर्निंग नहीं, अभी हुआ हमारा ब्रेकफास्ट हुआ, आपको दिखाई मैंने एक वीडियो डाली आज का ब्रेकफास्ट। और क्या, अभी लंच बनाने के लिए जा रही हूँ। आज का स्पेशल चिकन बिरयानी, वो भी केरला। केरला स्पेशल चिकन बिरयानी, आप लोग एक दिन बना के कमेंट में डाल देना, ठीक है? इतना टेस्टी है, आसान भी है। चिकन बिरयानी के लिए पहले हम चार बनिए इसको करना है स्लाइस करना है, और कुछ भी नहीं है, ये छोटा है इसलिए मैं चार लिया, बड़ा है तो तीन लेना, ठीक है? अभी स्लाइस करें। अभी मैं ऐसे साफ कर, साफ नहीं, पील है ना, ओनियन को पील करके रखती हूँ। मेरे पदीने भैया ने आएगा मेरे मुंह में, पदीने इसको करेंगे, स्लाइस करके देंगे, इतना फास्ट नहीं है इसीलिए, ठीक है? अभी मेरा काम हुआ, अभी हस्बैंड आएंगे कट करने के लिए, इसको ओके रखेंगे। वो ऑनियन स्लाइस करने के लिए ना मेरे से ज़्यादा स्पीड हस्बैंड को, ये इसलिए उनको दिया और क्या, दोनों साथ में तो थोड़ा जल्दी काम ख़त्म हो जाएंगे, है ना? और भी है दोस्तों, ये मैंने चिकन बिरयानी का मसाला के लिए नहीं है, ये काली फ्राई करने के लिए, ये मसाला के लिए भी थोड़ा लेती हूँ, हम फ्राई करके दिखाएंगे। मैं तो इतना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वगैरह कुछ भी नहीं बोली क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए अभी इसको स्लाइस करके फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स अभी देखो, वो तो कटिंग किया है, ये काली फ्राई करने के लिए। और दिखाओ भैया, भैया ओके, ये देखो अगेन हम चार लिया है, ये छोटा है इसलिए मैंने चार लिया, नहीं हो तो बड़ा है तो तीन लेना। ये फ्राई करने के लिए, ये मसाला के लिए, ये भी ऐसे कट करेंगे। ओके ओके, दोनों का काम हो गया, यही है मुझे ज़्यादा मुश्किल का, वो तो हस्बैंड ने किया है। और क्या, बिरयानी के लिए इतना चिकन, ये कितना है, 700 ग्राम है ना? हाँ, 700 ग्राम। इसमें 1 kg में से थोड़ा से निकाला क्योंकि ज़्यादा होगा। मैं अभी ये बासमती राइस है, ये तो क्या ऐसा वाला ग्लास में है, 250 ग्राम का ग्लास है, इसमें 2 कप चावल लिया है, ठीक है? यही है हमारा, क्या 4 लोगों को खा सकता है आराम से, है ना? ओके, 2 ग्लास का बिरयानी है आज बनाने वाली हूँ मैं। सो इसका मशरूम भी यही है, 250 ग्राम का कप में 2 ग्लास चावल, 700 ग्राम चिकन, अब इसको मैरिनेट करेंगे। ओके, मिन्नू बात कर रही, देखो अभी इसको हम मैरिनेट करने के लिए, देखो ये सब 1 स्पून, अभी मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 स्पून, हल्दी पाउडर 1 स्पून, टीस्पून है ज़्यादा नहीं, गरम मसाला मीन्स मैं यही गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ इसमें। इसका हिंदी में मुझे मालूम नहीं है क्या क्या चीज़, आप लोग जूम करके दिखाइए इसमें क्या क्या है, इतना डाल के पीस लिया, ठीक है? ये घर पे ही करती हूँ, नहीं है तो ये केरला टेस्ट है। ओके, नहीं है आपको, आपका गरम मसाला भी इसमें डाल सकता है। ओके, ये नहीं है तो, और जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड नमक। ओके, अभी ये मैरिनेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, इसके बाद ये दिख रहा है ना,
नींबू 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 सॉरी इसका सीड जरा पहले इसको मैग्नेट करके कितना अभी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कैसे भी आपको मर्जी अभी अभी बनाने तो अभी अभी बनाओ वे थोड़ा आधा घंटा इसे ये क्या करना है ना आप लोग सारे काम करने का पहले यही करके रखना पहले चिकन का मैग्नेट करके साइड में करना नहीं ये तो संडे बनाना है तो सैटरडे आप एक काम करो ऐसे करके फ्रिज में रख दीजिए फ्रीजर में नहीं ठीक है फिर हम चावल को भी अच्छा से धो के आधा घंटे थोड़ा भिगो के रख देना ठीक है हाँ ये तो पुदीना है इसके लिए धनिया पत्ता नहीं चाहिए ठीक है पुदीना वो तो बहुत ज़्यादा चाहिए आड़ी बात करने दो मिन्नू मिन्नू क्या हुआ ये देखकर उसको देना है देखो चाहिए मिन्नू बुला रहे हो पापा पापा वैसे ही है अभी चक्रवर्ती वो आइस बात करती है उसको भैया नहीं इधर वो कराटा क्लास में गया है ठीक है इतना पुदीना चाहिए पुदीना ज़्यादा चाहिए थोड़ा नहीं इतना तो डालना ही है धनिया पत्ता का यूज इसमें धनिया पत्ता का यूज नहीं है यूज नहीं है ठीक है ओके इसको अच्छा से धोना अभी धो के रखती है थोड़ा पानी में डाल के रखो ये अभी हम क्या है प्याज है ना ओनियन फ्राई करने के लिए देखो हमेशा ये बर्तन में फ्राई करके 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 खाला पड़ा मेरा बर्तन प्याज फ्राई करने के पहले हम देखो मैं इधर थोड़ा काजू किशमिश वो ऑप्शनल है आपका पास नहीं है तो वो स्किप कर सकते हैं ओके डाला तो अच्छा है और क्या इधर तो बहुत चाहिए बच्चे को ये काली फ्राई करके खाने के लिए और अब हम ये तीनों फ्राई करके साइड रख देंगे ठीक है पहले तो काजू डालना ठीक है ये थोड़ा थोड़ा से कलर इसका ब्राउन होगा ना तब इसको निकालना हाँ पानी था उसमें थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया थे है ना कोई बात ओके उसका बाद किशमिश डालेंगे क्या आप लोग है ना थोड़ा पहले इसको धो के क्या थोड़ा सुखा के रखना नहीं है तो तेल ऐसे फुट फुट करता है मैं अभी अभी धो के आई धोने के लिए भूल गई पहले उसको भी निकाला उसको भी निकाला और क्या अभी प्याज डालेंगे प्याज एक साथ डालना थोड़ा ज़्यादा तेल डालो ठीक है प्याज दो बार किया तो आपका काम डिले हो जाएगा हाँ डिले हो जाएगा इसलिए एक साथ एक बार कितना डाल सकता है उतना डाल के फ्राई कर ले ठीक है अभी हम तीन कट करके रखी है फिर भी वो तीनों नहीं डाल पाया तो चलेगा उतना बस ठीक है ऐसे टेंशन मत लीजिए इसलिए पहले थोड़ा ज़्यादा तेल डाल लें ये तेल हमको बाद में भी यूज़ है ये तेल से हम चिकन का नहीं बिरयानी का मसाला बनाते हैं सो थोड़ा ज़्यादा तेल डालो ठीक है अब इसको फ्राई कर ले दो थोड़ा टाइम लगता है फुल फ्लेम में रखो उसके बाद थोड़ा ब्राउन होता है ना शुरू लगा ना तब उसको क्या सिम फ्लेम कम करना हाँ सिम में ओके ओके फ्लेम कम करना है अरे कितना तकलीफ हो रहा है मुझे हिंदी में बताने के लिए मैं हमारे लैंग्वेज में तो मैं मुंह बंद ही नहीं करती हूँ इतना मुझे बोल सकती है हिंदी में मैं मुंह मुश्किल से ही कर रही हूँ चलेगा आगे आगे
हो गया ठीक है ना। ठीक है अभी उसको फ्राई होने दो। इतना तक हुआ है अभी। हाँ इतना तो बस गोल्डन ब्राउनिश हुआ, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा फ्राई किया तो है ना। अभी निकालेंगे। बस 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 निकाले निकाले। अभी ये सारे निकाल दिया ठीक है। दिखाओ दिखाओ थोड़ा इसमें सूम करके दिखा। इतना ब्राउनिश आना, ज्यादा नहीं हुआ है, अच्छा से ब्राउनिश हुआ है, इससे कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं है ना। ये सही ठीक है, ये सही है। ओके तब ये थोड़ा ठंड होने दो, ऐसे करके रखना है तब एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी होगा, क्रिस्पी होगा। ऐसे खोल के रखना है ऐसा। मिन्नू मिन्नू देखो मिन्नू को पता चला इधर नॉन बना रहे नॉन बना रहे इसलिए वो चिल्ला रही हूँ। चक्री है अभी नहीं, बाद में दिखाएंगी उसको। अभी हम आधा घंटा भिगो के रखा था ना चावल, इसको इसे छान के रखना पानी निकालने इसमें से। फ्रेंड्स मैं अभी कुकर में बना के दिखा रही हूँ। कुकर में मीन्स कुकर बिरयानी नहीं है ये, आपका पास दूसरा कुछ मोटा बर्तन है तो उसमें भी बना सकता है ठीक है। ये हम सीटी नहीं देते हैं, खाली कुकर में ही। मेरा पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है इसलिए मैं इसमें ही दिखा रही हूँ। ओके मैं हमेशा कुकर में ही बनाते हैं, सीटी नहीं देती हूँ फिर भी ठीक है। दो चम्मच घी डालना पहले, और अभी दो चम्मच घी डालना, और हम ऑनियन फ्राई करके रखी थी ना उसका भी वो दिखाओ इसे देन। ये दो हाथ गर्म हुआ वो ये वो भी थोड़ा दो चम्मच, दो मीन्स दो तीन चम्मच, इतना ज़्यादा मत डालो क्योंकि बिरयानी ज़्यादा तेल होगा। ओके ओके वो भी थोड़ा डालना। अभी हम घी गर्म होने के बाद देखो इतना स्पाइसेस डाल रही हूँ। देखो ये थोड़ा ज़्यादा हुआ तो भी कम हुआ तो भी इतना टेंशन मत लीजिए। इसमें क्या क्या है आपको पता चला है ना, मुझे इसका हिंदी में मालूम नहीं है बोलने के लिए ठीक है। और इतना तो डालेंगे, वो भी थोड़ा गर्म करने के बाद हम प्याज डालेंगे, इसको प्याज डालेंगे ठीक है। प्याज और क्या, और उसमें अभी तेरे में एक दो मिर्ची तो डालो, ज़्यादा मिर्ची चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं ठीक है। ठीक है फिर इसमें ये क्या सौंफ हाँ एक टीस्पून, ये बड़ा है ये छोटा नहीं है ना, जीरा जीरा नहीं है सौंफ है हाँ सौंफ वो ही डालना ठीक है। ऐसे ही डालना, पहले ये फ्राई मत करो, उसका अच्छा फ्लेवर मिलने के लिए हम प्याज थोड़ा क्या किया सॉर्ट करने के बाद डालना ठीक है। इसमें एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दें। फिर इसको मैक्सिमम ब्राउन कलर होने तक पकाना है। ओके देखो फ्रेंड्स अभी ये तैयार हो चुका है, देख लीजिए इतना बस इतना इसको पकाया। अभी इसमें मसाला डालेंगे, अब हम मसाला डालेंगे। देखो ये एक स्पून पेपर पाउडर है, और एक स्पून एक नहीं दो टेबलस्पून ये मिर्ची आपका मर्जी डाल सकता है ठीक है। और सॉरी अभी हल्दी पाउडर नहीं डालना, और गरम मसाला एक स्पून, ये धनिया पाउडर ओके इतना लिया है। अब इसको हम इसमें डालेंगे, थोड़ा वो कच्चा स्मेल है ना
सीख जाने तक 2 मिनट ऐसे मिक्स करना। फिर इसमें चिकन डाल के इसमें चिकन डाल के मिक्स कर लीजिए। ये सारे मसालास मैंने मिक्स किया है और अभी पानी मत डालो, ऐसे थोड़ा इसको बंद करके रखना 4-5 मिनट, ऐसे बंद करके रखना। सीधे इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ही बंद करना, ठीक है। आपके पास दूसरा बर्तन है तो उसको कवर करना। एक ऐसे रखा है, अंदर नहीं डाली है मैंने, ठीक है, क्योंकि ये कुकर बिरयानी नहीं है, मेरे पास दूसरा बर्तन नहीं है, इसीलिए कुकर में बनाई हूँ मैं। मुझे ये दम डालने के लिए भी कुकर थोड़ा अच्छा लगा, इसीलिए कुकर में बना रही हूँ, ठीक है। सो ऐसे रखना, ओके। देखो अभी थोड़ा 5 मिनट मैंने इसे कवर करके रखी थी, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, ठीक है। अच्छा से इसको हिला के देखो अभी देखो ये बहुत क्रिस्पी हो गया। इसका आधा हमने फ्राई करके रखा है ना, ये थोड़ा डेकोरेशन के लिए, बाकी आधा हम इसके अंदर डालेंगे, पता से ना। हाँ अभी इसका आधा डाल रही हूँ। ये स्पेशल टिप है बिरयानी के लिए, सादा चिकन करी को ऐसे मत डालो, क्योंकि थोड़ा क्या अलग टेस्ट है। ये ऐसे डाला तो प्याज फ्राई करके डाल के बिरयानी बनाना था, ठीक है। ये स्पेशल टिप है, ये स्किप मत कर लीजिए आप लोग ऐसे बिरयानी बनाने में। और भी पकाएंगे कवर करके। अब हम इसमें थोड़ा 1 कप पानी गर्म करने के लिए रखती हूँ मैं, वो मसाले में डालने के लिए। पानी बॉईल हो चुका है, अभी चिकन भी तैयार हो गया। देखो देखो मसाला एकदम तैयार है। इसमें थोड़ा से पानी डाल के देखना, मैं अभी 1 कप पानी बॉईल किया है, कितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना तक डाल के मिक्स करके देख लीजिए, ठीक है। सच में डायरेक्ट बहुत अच्छा दिख रहे दिखने में, वो कैमरा में इतना ठीक से इसका कलर नहीं दिखा पा रहे, दिख रहे क्या आपको। अभी और भी इसको 5 मिनट भी ऐसे पकाना कवर करके। अभी चिकन को हम एक साइड रखा है, अभी वो 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। वो होने के पहले, इतना तक होने के पहले हम चावल बनाना। चावल बनाने के लिए ग्लास कहाँ है, वो बनाने के लिए जो हमने चावल लिया ना 2 कप, उसमें 2.5 कप पानी लेना, 2.5, ओके। वो पहले ये मैं मेजरमेंट करके रखी है, उससे ज़्यादा मत डालो, उससे कम हुआ तो भी चलेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 2.5 कप पानी और इसमें स्पाइसेस दिखाती हूँ, जूम कर ले। इतना स्पाइसेस ही लिया है, ये बे लीफ ज़रूरत नहीं है, आपको पास है तो डालना इसमें, ठीक है। और जो हमने फ्राई करके रखा था वो 1 स्पून प्याज, ओनियन और अभी 1 टेबल स्पून ये भी हम फ्राई करने के लिए यूज़ किया वाला तेल है, ओके, वो भी डाला है। और क्या, नींबू 1 स्पून नींबू भी, उसका सीड गिरा निकालेंगे। और नमक, नमक तो मैं आपको मेजरमेंट नहीं बोल रही हूँ,
आपको ये टेस्ट किया तो पता चलेगा, थोड़ा ज़्यादा डालना। वो क्या बिरयानी में नमक थोड़ा ज़्यादा, पानी में थोड़ा आप टेस्ट करके देख लीजिए तब पता चलेगा। अब उसको बॉईल होने दो, ठीक है। एकदम बॉईल आने के बाद हम चावल डालेंगे। नमक आप देखना थोड़ा ज़्यादा डालना है बिरयानी में, और चिकन का भी नमक डाल के वो टेस्ट करके उसमें और चाहिए तो डालना, ठीक है। ओके। पुदीना का स्टेम निकालो, ठीक है। इसमें ज़्यादा पुदीना डालना, पुदीना का टेस्ट इसमें सबसे बढ़िया लगता है। और इसका छोटा छोटा टिप्स है ना, हम देखो उसमें वो क्या चावल बनाते समय उसमें थोड़ा फ्राई किया वाला तेल डालते हैं और फ्राई किया वाला ऑनियन डालते हैं, वो सब कुछ माइन्यूट टेस्टी टिप्स है। आप लोग वो वाला कुछ भी मिस मत कर लीजिए। ओके। और क्या एकदम टेस्टी है, हमारा केरला में ऐसे बनाता है, ऐसे नहीं बहुत कुछ, बहुत 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 क्या अलग अलग अलग, हाँ अलग अलग तरह का बिरयानी बनाता है ये तो। फिर ये थोड़ा स्पेशल है, और मैं इधर ज़्यादा यही बनाती हूँ इसलिए मेरे लिए बहुत आसान भी लगता है। आप लोग भी बना के देख के बताना मुझे, कमेंट में डाल देना हमारा साउथ का केरला डिश कैसा है। पुदीना आप बढ़िया से साफ करना, वो कितना बार भी पानी में धो सकते हैं तो भी इतना तो करना ही है, ठीक है। हाँ, ये रेडी हो गया। ओके ओके ओके। अभी तो इसमें चावल डालना, और एक मिनट डालती हूँ मैं। ओके। सिम मत लो, सॉरी फ्लेम थोड़ा अभी नहीं, बाद में कम करना, अभी तो उसको और भी उबालना, अभी तो उसको और भी बॉईल होने दो, ठीक है। हाँ अभी इसको सिम में डाल के कवर करके रखना, ढक के रखना है। हाँ ठीक है। क्या मेरा तो बहुत कुछ गलती, मुझे क्या क्या बोलना है सच में। और आपको थोड़ा एक्शन में सोचना चाहिए, ठीक है, करके करके ठीक हो जाएगी मेरी। चावल देखो करेक्ट पानी डाला है हमने, थ्री फोर्थ इसको क्या बोलूँ, फुल्ली पकाने का नहीं है ये, थोड़ा दम डालना है, पूरा नहीं पकाना है और थोड़ी देर 75% है चावल का, 75% है उसको पकाना है बस, बाकी तो हम दम में डालेंगे, दम डालेंगे। और चिकन का ग्रेवी, आपको ज़्यादा मसाला चाहिए, ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो इससे ज़्यादा ग्रेवी तरह कम मत करना, ठीक है। ये तो करेक्ट है, हम ज़्यादा चावल नहीं बनाया ना इसीलिए इतना ग्रेवी परफेक्ट है। ओके। देखो इसका कलर कैमरा में कैसे दिख रहे मुझे मालूम नहीं, इधर सीधे एकदम मस्त दिख रहे हैं ना, एकदम बढ़िया स्मेल भी आ रहा है। अभी हम दम डालेंगे। okay. इसको दम डालने के लिए हमने जो पुदीना रखा है ना वो पूरा ये चिकन का ऊपर, ठीक है, ऐसे डाल के देना। ओके। फिर हम इसके ऊपर चावल डालेंगे, आधा आधा करके दिखाती हूँ। फ्राई करके रखा था ना वो भी थोड़ा डालेंगे, और
थोड़ा से घी डालना है। घी डाल के उसको ऊपर फिर भी चावल डालना, सेम रिपीटेशन। सारे चावल डाल दिया, फिर भी हम थोड़ा फ्राई किया वाला सब डाल के, थोड़ा से मैं पहले घी डाली थी ना, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा से घी डाल के बटर, फिर इसको दम। अभी हम इसको पूरा टाइट करना और विसिल निकालना, ठीक है। विसिल निकाल के बड़ा गैस में नहीं, छोटा गैस, ओके, छोटा बर्नर में पूरा सिम में डाल के 8 मिनट, बस 10 मिनट ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि किसी का ग्रेवी कम है तो वो थोड़ा पीछे नीचे पकड़ने के लिए होता है। सो 8 मिनट, वो ज़्यादा ग्रेवी रखा है तो प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट तक ऐसे बैठेगा, ठीक है। ओके, पता चला, सीख लिया क्या? हमारा स्पेशल चिकन बिरयानी इजी है, अभी हम शूट कर रहे हैं इसलिए हमारे लिए थोड़ा दिक्कत था, और कुछ नहीं, 1 घंटे में खा सकते हैं हमको। इधर तो हमेशा संडे संडे चिकन ही है, क्या नहीं, चिकन बिरयानी है, क्योंकि मेरा बड़े बच्चे को, बेटू को बहुत पसंद है, मेरा चिकन बिरयानी बहुत खाते हैं वो। अब इधर पूरा साफ सफाई करना। अभी हमारा चिकन बिरयानी तैयार हो चुका, वाह वाह, एकदम बढ़िया स्मेलर है, स्मेलर बिरयानी का, सच में बोल रही हूँ, देखो अच्छा बिरयानी, देखो अभी अभी ये वाइट है, आपको दिखाएंगे फ्लेवर है ना, वो जो पुदीना का फ्लेवर है, एकदम एकदम ऐसे लग रहा है, अभी खाएंगे, देखता हूँ। एबल नहीं, इधर एबल है तो ये स्मेल आया तो बाग क्या आता है। मम्मी चिकन बिरयानी दो, भूख लग रही है करके, है ना। एबल अभी आएंगे, अभी नहीं, आज रात तक उनका बेल्ट एग्जाम चलता है, और 7:30 बजे तक। देखो इसका कलर चेंज हो रहा है, अभी पूरा डाल के दिखाऊँ, देखो ये वाइट चावल पूरा मसाला चावल हो जाए, देख अच्छा से, अच्छा से इसको हल्का से हिलाना, ठीक है, मिक्स करना, नहीं ये तो चावल ऐसे टूटता है, ओके। अरे मुझे भूख लग रहा है, अभी वीडियो खींचने के लिए मन नहीं आ रहा है, आप लोग भी ये घर में बना के देख लीजिए दोस्तों, और अभी हम चारों के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। बच्चे तो बड़ा तो खाता है, छोटा इतना नहीं खाता है, फिर भी उसके लिए मैं थोड़ा निकाला, देखो वाइट चावल इसमें से निकाला, और वो ज़्यादा मसाला नहीं खाता है वो वाइट, उसमें इसका ऊपर से निकाल के ये थोड़ा डाल के मिक्स करके देता हूँ उसको, ओके। और कैसे है, अभी मैं इसको थोड़ा डेकोरेट भी करके आपको दिखाएंगे। देखो दोस्तों ये बहुत टेस्टी है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैंने बनाई है इसीलिए अच्छा है, ऐसे नहीं बना रही बोल रही हूँ मैं, आप तो एक बार करके देख लीजिए, सच में ट्राई करके देख लीजिए, सब लोग बोलेंगे आपका फैमिली में एक और बार भी बना के देने के लिए, नहीं हमेशा बना के देने के लिए, ठीक है दोस्तों, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। नहीं तो नहीं, 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 नहीं आप लोग पर ये बना के देख के टेस्ट करके मुझे कमेंट में डाल दीजिए, ओके। मैं तो मजाक किया था ना, तो बहुत टेस्टी है, मैंने तो कई जगह से बिरयानी खाया है, लेकिन जो घर में जो बनता है सच तो में अलग ही है। वो इन्होंने वो ऑफिस में जाके सबको ही बोलते हैं, मैं भी सुनती है वो, इसलिए मुझे मालूम है ये सच्ची बोला तो है, बहुत बढ़िया रेसिपी है, टेस्टी है, आप लोग ट्राई, इसलिए दिखाई मैं, नहीं होता नहीं दिखाना था, हमारा तो कुकिंग चैनल नहीं है,
व्लॉग चैनल है और मेरा शॉप का आइटम भी दिखाती हूँ मैं उसमें। फिर भी मैं ये काली कुकिंग का थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ इसमें, वो भी हमारा स्पेशल आइटम। हाय दोस्तों, हम ऐसे बिरयानी खा रहे हैं, स्पेशल बिरयानी। और ये देखो मिनू भी खा रहे, उसको तो ऐसे नहीं देती मैं आज वीडियो खींच रहे आप लोगों को दिखाने के लिए दिया है, दिखाती मिनू दी दी चिकन बिरयानी कैसे है, उसको मैं प्लेन चावल दिया। बोलो बोलो ना, आज बहुत परेशान किया है वो नॉन का स्मेल आया तो बहुत परेशान करती है। इधर ये भी प्लेन चावल खा रहे आज। हेलो हेलो, पूछो ना आप लोग को चाहिए क्या। मेरे को चाहिए क्या, तो आप लोग बना के देना, खाना पड़ेगा। ओके ओके, फिर केरला अभी तो बड़ा बेटू नहीं है, इधर वो शाम को आएंगे, उसको जाके दे दिया। और क्या हमारा ये कैसे था वीडियो, आपको कैसे लगा तो बोलना है, ठीक है। ओके, हमारा केरला फन फैमिली चैनल आगे आगे सपोर्ट करना, वो तो मैं डेली बताती हूँ क्योंकि हमारा नया चैनल है। मीनू चली गई देखो। ओके सो सब्सक्राइब शेयर लाइक।